ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। वैसे तो ये आरती हिंदुओं के घर घर में गाई जाती है, लेकिन अगर इस आरती के रचयिता के बारे में पूछा जाए तो शायद हम में से बहुत कम लोग ये बता पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं एडियो टॉक इंडिया। और आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रही हूँ ओम जय जगदीश हरे के रचयिता के बारे में। मैंने बहुत सारे लोगों से यह प्रश्न किया कि इस आरती के रचयिता कौन है, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये पौराणिक काल से गाई जा रही है, कुछ ने इसे वेदों का भाग बताया और कुछ ने तो ये कहा कि निर्माता निर्देशक मनोज कुमार जी इसके रचयिता हैं। पर इस आरती के मूल रचयिता के बारे में बहुत कम लोग बता पाए। इस आरती के मूल रचयिता थे पंडित श्रद्धाराम शर्मा या पंडित श्रद्धाराम फिलौरी। पंडित श्रद्धाराम शर्मा का जन्म पंजाब के जालंधर जिले में स्थित फिलौर नगर में हुआ था। वे सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनका विवाह सिख महिला महताब कौर से हुआ था। बचपन से ही उन्हें ज्योतिष और साहित्य के विषय में गहरी रुचि थी। उन्होंने वैसे तो किसी प्रकार की शिक्षा नहीं ली थी, परंतु उन्होंने 7 साल की उम्र तक गुरुमुखी में पढ़ाई की और 10 साल की उम्र तक वे संस्कृत, हिंदी, फारसी भाषाओं तथा ज्योतिष की विद्या में पारंगत हो चुके थे। उन्होंने पंजाबी में सिखा दे राज दी विथियां और पंजाबी बातचीत जैसी पुस्तकें लिखी। सिखा दे राज दी विथियां उनकी पहली किताब थी। इस किताब में उन्होंने सिख धर्म की स्थापना और उसकी नीतियों के बारे में सारगर्भित रूप से बताया था। यह पुस्तक लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थी और अंग्रेज सरकार ने तब होने वाली ICS, जिसका भारतीय नाम अब IAS हो गया है, उस परीक्षा के कोर्स में इस पुस्तक को शामिल किया था। पंडित श्रद्धाराम शर्मा गुरुमुखी और पंजाबी के अच्छे जानकार थे। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक गुरुमुखी में ही लिखी थी, लेकिन वो ये मानते थे कि हिंदी के माध्यम से ही अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुँचाया जा सकता है। 1877 में उन्होंने अपना पहला हिंदी उपन्यास लिखा था, भाग्यवती। माना जाता है कि यह हिंदी का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1888 में हुआ था। इसके प्रकाशन से पहले ही पंडित श्रद्धाराम का निधन हो गया, परंतु उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने काफी कष्ट सहन करके इस उपन्यास का प्रकाशन करवाया था। पंडित श्रद्धाराम शर्मा धार्मिक कथाओं और आख्यानों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। वे महाभारत का उद्वरण देते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जन जागरण का ऐसा वातावरण तैयार कर देते थे कि उनका आख्यान सुनकर प्रत्येक व्यक्ति के भीतर देशभक्ति की भावना भर जाती थी। इससे अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ने लगी और उसने 1865 में पंडित श्रद्धाराम को फुलौरी से निष्कासित कर दिया और आसपास के गांवों तक में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। निष्कासन से उन्हें कोई खास असर नहीं पड़ा और वो किताबें लिखते गए। उनके द्वारा लिखी गई किताबों का पठन विद्यालयों में हो रहा था और वो जारी रहा। उन्होंने साक्षरता के लिए भी जबरदस्त काम किया था। 1870 में उन्होंने एक ऐसी आरती लिखी जो आज घर घर में गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे। इस आरती का प्रयोग प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने अपनी एक फिल्म पूरब और पश्चिम में किया था और इसलिए इस आरती को कई लोग मनोज कुमार जी से भी जोड़ देते हैं। पंडित श्रद्धाराम शर्मा सदैव आत्म प्रशंसा से दूर रहे। शायद यह भी एक वजह है कि उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें हम बहुत चाव से पढ़ते ज़रूर हैं, पर उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। 24 जून 1881 में लाहौर में पंडित श्रद्धाराम शर्मा ने आखिरी सांसें ली। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि आज हम चर्चा कर रहे थे उनके बारे में जिन्होंने लिखा है ओम जय जगदीश हरे, पंडित श्रद्धाराम शर्मा जी।
तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानकारी मिली होगी कि जो आरती हम रोज़ गाते हैं वो आरती आखिर लिखी किसने है, उसके रचयिता कौन है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।